मध्य प्रदेश के भोपाल में महामहिम राज्यपाल द्वारा संस्कार सेना की यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। वर्तमान युवा पीढ़ी संस्कृति और संस्कारों से विमुख होती जा रही है। यही वजह है कि अनेक बुजुर्ग माता पिता अपनी ही संतान से प्रताड़ना झेल रहे हैं। कहीं कहीं तो माता पिता के साथ मारपीट के मामले थाने और कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए समाज सेवी हरभजन जांगड़े द्वारा युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए संस्कार सेना की स्थापना की गई। दिनांक 14 मई को मातृ दिवस के अवसर पर संस्कार सेना द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत यात्रा का शुभारंभ किया गया। राजभवन भोपाल में महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा हरी झंडी दिखाकर संस्कार सेना को भारत यात्रा के लिए रवाना किया गया। वहीं भोपाल के गांधी भवन में आयोजित यात्रा के शुभ अवसर पर संस्था के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हरभजन जांगड़े द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। सभी वक्ताओं ने संस्था के उद्देश्य पर अपने विचार व्यक्त किए। यात्रा के आयोजन में राष्ट्रीय अध्यक्ष हरभजन जांगड़े सहित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यतेंद्र श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सचिव अलका धुर्वे सहित अनेक जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक एवं अनेक जिलों के संस्कार सेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। करो आप स्टार्ट करो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।